एक तरफ जहां देश का चौकीदार है, वहीं दूसरी तरफ अली बाबा चाली चोर है। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी जैसा दमदार प्रधानमंत्री देश की सेवा करता रहेगा, तब तक देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। यह बात वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गांव सीसर में इनेलो छोड़कर बीजेपी में आए वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह द्वारा आयोजित एक जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने अपने साथियों सहित बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कैप्टन ने कहा कि एक तरफ दमदार नेता है तो वहीं दूसरी तरफ दागदार नेता है। आए दिन इनेलो पार्टी के अनेक नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। नारनौल में भी आज इनेलो पार्टी को बड़ा झटका लगा है। करीब 20 साल तक इनेलो पार्टी में वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह ने अपने साथियों सहित कैप्टन अभिमन्यु की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनेलो नेता रहे राजेंद्र सिंह ने गांव सीसर में बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसमें वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आज कार्यक्रम मेरे हलके के अंदर आज बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ जुड़ करके वो देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में समर्पित होकर के इस देश को महान बनाने के लिए, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए, भारत को फिर से मां शक्ति बना करके इस दुनिया के अंदर जो सही स्थान भारत का है उसको दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। आज मैं सीसर गांव के अंदर कार्यक्रम में जा रहा हूँ। बात की है कि इस देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ, लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई है। आज हिंदुस्तान में किसी एक परिवार की किसी कुनबे का राज नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कोई नहीं कह सकता है कि फलाने कुनबे का राज है, फलाने परिवार का राज है, फलाने बाबू बेटा की कंपनी का राज है, फलाना जीजे साड़े का राज है, फलाने हलके का राज है। आज अगर हरियाणा प्रदेश के 90 हलकों के अंदर काम कराना पड़ता है तो उसके लिए किसी को तेजा खेड़ा जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी को एक आदमपुर जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी को कलोई या तो शाम जाने की जरूरत नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के सभी 90 हलकों में समान विकास की सोच के साथ में सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक की नीति पर चलते हुए एक नए हरियाणा के निर्माण का सपना हम साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। आजादी के 72 साल में हमने क्या देखा कि लोकतंत्र के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर, जनतंत्र के नाम पर इस देश को कुणबा तंत्र दिया गया, कुल तंत्र दिया गया, वंश तंत्र दिया गया, परिवारवाद दिया गया और परिवारवाद के साथ साथ जातिवाद का जहर घोला गया, क्षेत्रवाद दिया गया, भाषावाद दिया गया, प्रांतवाद दिया गया और इस पूरे हिंदुस्तान को और छोटे से हरियाणा को न जाने कितने टुकड़ों में बांटने का काम हुआ था। नहीं कोई भ्रष्टाचार और घूसखोरी करने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अब देश को बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अब देश के हितों के साथ सौदा करने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अब 2G घोटाला करने वाला या कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला करने वाला या कोयला का घोटाला करने वाला प्रधानमंत्री नहीं, अब देश के अंदर देश का चौकीदार, देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री और देश का सबसे बड़ा चौकीदार। देश की जनता को एक भरोसा हुआ, 5 साल के अंदर कांग्रेस के लोग विपक्ष के साथ ही एक सवाल नहीं खड़ा कर सके, एक आरोप साबित नहीं कर सके, किसी अदालत में, किसी कोर्ट में, आज तक किसी कचहरी में, किसी पुलिस थाने में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का एक मुकदमा दर्ज नहीं करा सके। ऐसे महान प्रधानमंत्री जी आज देश की जनता की अदालत में फिर से हाजिर है, देश की जनता के दरबार में फिर से भारत के संविधान के अनुसार 5 साल के बाद चुनाव होता है। ये चुनाव में इस देश की जनता के भरोसे फिर देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, एक तरफ देश का चौकीदार और की मंडली है। चौकीदार के काम में जोर है, दूसरी तरफ चोर मचाए शोर है। एक तरफ दमदार नेता है और दूसरी तरफ दागदार नेता है जिनके दामन पर दाग लगे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारा देश को एक मजबूत नेता है और दूसरी तरफ मजबूर लोग हैं जिनकी आपस की मजबूरियां हैं, क्योंकि वो जमानत पर है, क्योंकि उन पर मुकदमे चले हुए हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे को बचाना है। जब वो मिल डूब रहे हो, जब उनके मुकदमों में वो जमानत पर हो, जब उनको रोज जेल की सलाखें दिखाई देती हो,
तो आपस के अंदर अपनी पार्टी का वो नेता है उसका नाम ले दूं तो बुरा मान जाता है, तो वो असली वाला नाम ले लूंगा। लेकिन उनको राहुल गांधी भी कहते हैं, असली नाम कुछ और है। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बुआ वाला छोरा भाई पप्पू का ख्याल है, वो रूसते हैं। फिर भी भाई की बात सुनो, कहते हैं मोदी जी ने, अब मोदी जी को रोकना है। दिल्ली के अंदर बोले हिंदुस्तान से पड़ा बढ़ जाएगी, हिंदुस्तान की सारी बीमारियों का एक इलाज है वो महात्मा गांधी जी बता करके गए थे। सन 48 में उन्होंने अपनी जो है श्री छोड़ने से पहले कहा था कि अगर हिंदुस्तान को आजादी के जो दीवाने थे उनके सपनों का भारत बनाना है तो इस कांग्रेस को समाप्त कर दो। लेकिन 70 साल तक ये भारत के अंदर ये जिंदा रहा। लेकिन आज वक्त आ गया है कि ये अगर देश को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस रूपी कोड इस हिंदुस्तान के शरीर से मिटाना पड़ेगा साथियों, इसको मिटाना पड़ेगा। कितनी 5,000 गिनती याद कर लियो। राहुल गांधी जी से पहाड़े को नहीं आपके मन पेरा पड़े लेकर शाणे बाल कह रहे। 5 साल में 5,000 नौकरी, हुड्डा साहब ने 10 साल में कितनी दी? 18,000 नौकरी। 5 साल में 5,000, 10 साल में 18,000, तो 5 साल में कितनी बढ़ी? 9,000 बढ़ी। उनके पलड़ा के 5 साल में 5,000, हुड्डा साहब के 5 साल में 9,000, और आपके बेटों की सरकार जब 5 साल अक्टूबर में पूरे करेगी, 5,000 9,000 नहीं, सरकारी नौकरी में 72,000 बालक नौजवान सरकारी नौकरी में शामिल किए। 60,000 से ऊपर पार कर दिया आंकड़ा। ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से अवसर बढ़ाए, ईमानदारी से रोजगार की संभावनाएं पैदा करी। और पहले की नौकरी 5,000 9,000 वो कैसे देते थे वो आपने भी बेरा है, और आज कैसे मिलती है वो आपने भी बेरा है। पहले ठगी ठोरी थी, पहले बेईमानी थी, पहले भ्रष्टाचार था, आज ईमानदारी से पढ़ने लिखने वालों को नौकरी मिलती है। ये 30-35 साल ये बालक सेवा करेंगे, स्कूलों में कॉलेजों में ये बालक पढ़ने लिखने लग गए।